नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। राजधानी पटना के बेउर जेल से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां बेउर जेल में अचानक छापेमारी के दौरान अनंत सिंह के वार्ड में रखे बैग से एक मोबाइल और सिम बरामद किया गया है, जिसके बाद पूरे जेल में खलबली मच गई। हालांकि तमाम वार्डों में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। हालांकि इस मामले में पटना के जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले यह सुनिए। हाँ सर, क्या वजह से छापेमारी हुई है? बेउर जेल में नियमित छापामारी थी हम लोगों की, बीच बीच में छापेमारी हम लोग करते रहते हैं, तो उसी के क्रम में आज दोपहर में किया गया है समय बदल करके। और इसमें जो विधायक अनंत जी बंद हैं इसमें से आरोप में, तो उनके कक्ष से मोबाइल मिला है एक, और मोबाइल सिम सहित, सिम बैटरी पूरा फंक्शनल, कुछ नंबर्स मिले हैं 7-8 लोगों के उसमें लिखे हुए। और एक आपत्तिजनक बात ये मिली है कि वो दो सेवादार अलाउ हैं, लेकिन उनके कक्ष में कुल 9 लोग थे। उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं कौन लोग हैं, और उसके लिए स्पष्टीकरण भी यहाँ काराधीक्षक से किया जा रहा है। और बाकी जो वहाँ के कक्षपाल थे उनको निलंबित किया गया है तत्काल, और ये लगातार कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। किसी प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो इसमें जेल में नहीं हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसी दृष्टिकोण से आज छापेमारी की गई। तो आपने सुना, जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि अनंत सिंह जेल मैनुअल के धजिया उड़ा रहे थे। उनको 2 सेवादार को रखने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 9 सेवादार को अपने पास रखा, जिसके बाद उनको हटाया गया। हालांकि वार्डन की बात कर ले तो वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं जेल अधीक्षक जो है यानी जेल सुपरिटेंडेंट को शोकॉज किया गया है। हालांकि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार ऐसे छापेमारी होते रहती हैं, और इस सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जेल में मोबाइल अनंत सिंह के पास कैसे पहुँचा, कौन लोग पहुँचाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पीआर पटना।